अस्सलामु अलैकुम फिफ्थ क्लास, टुडे आवर लेक्चर इज़ लेक्चर 6। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने HCF पढ़ा था, ठीक है। लास्ट टू लेक्चर में HCF बाय डिवीजन मेथड और एक दिन हमने किया HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम कर रहे हैं LCM, और LCM कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। LCM का एब्रीवेशन क्या है? L स्टैंड्स फॉर लीस्ट, C स्टैंड्स फॉर कॉमन एंड एम स्टैंड फॉर मल्टीपल्स, ठीक है। अब LCM फाइंड करने का फार्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट किसे कहते हैं? मल्टीपल को कहते हैं। किस तरह से? जैसे हम कहते हैं 3 और 2 का मल्टीपल बताएं, ठीक है। तो 3 और 2 का जो मल्टीपल है वो 6 है, मीन्स उसका मल्टीप्लाई करके जो आया है तो वो प्रोडक्ट होगा। समझ आ गई? अच्छा, अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। एक्सरसाइज 2.3, फाइंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए बच्चे, इधर है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, हैं इधर मल्टीपल्स, लेकिन हम फैक्टर्स बना रहे हैं। क्यों फैक्टर्स बना रहे हैं? क्योंकि हमारा जो मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने प्राइम नंबर्स को लेना बस, ठीक है। अच्छा, इधर मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट जो है वो हमने 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं इस तरह से, और फिर जो है वो 4 वैल्यूज़ दी हुई, तो मैं 4 वाला करवा रही हूँ ताकि 3 वाला भी इसमें कवर हो जाएगा आपका। देखिए बच्चे, इधर है 25, 40, 75, 100। अब इसके लिए हम सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे? देखिए, 25 है पहला, 5 5 25 5 1 5। इस तरह 40 की प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, 2 2 4 0 एज इट इज़ रहेगा, 2 1 2 0 एज इट इज़ रहेगा, 2 5 10 5 1 5, ठीक है। ये बन गए सारे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40। अभी तो 75 है, 3 2 6 3 5 50 5 5 25 5 1 5, ये आ गए 75 के सारे फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। ये 100, 2 5 10 0 एज इट इज़ रहेंगे, 2 2 4 और 1 इधर आ जाएगा, 2 5 10 5 5 25 5 1 5, ठीक है। ये आ गए सारे 100 के प्राइम फैक्टर्स। अब हम इधर राइट करेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25। देखो 25 के प्राइम फैक्टर्स क्या थे? 5 and 5, ये हमने राइट कर दिया था। फिर आप प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40, फिर ये आ गए 40, 2 multiple 2 multiple 2 multiple 5। फिर अब आ गए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75, 3 multiple 5 multiple 5, इसी तरह 100 के आगे, ठीक है। अब हमने करना है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब हमने कॉमन जो प्राइम फैक्टर्स है वो लिखने हैं। देखो बच्चों, ये 2 कॉमन है 2 में। अगर कोई नंबर जब वो 2 के प्राइम फैक्टर, तो मतलब जैसे 40 और 100 का सिर्फ प्राइम फैक्टर 2 है, ठीक है, तो ये कॉमन है। 3 में होगा तो भी कॉमन होगा, अगर 4 में ही है तो भी कॉमन होगा, 1 में है तो कॉमन नहीं होगा, अदरवाइज कॉमन होगा, ठीक है। अभी देखिए, ये कॉमन है 2, ये हमने राइट कर दिया था। अभी ये आ गया 5 इधर, ये देखो 5 तीनों में, ये हमने लिख दिया था। फिर इसी तरह ये 2 है 2 में, ये हमने इधर लिख दिया, सही है। अब ये 5 जो है ये 4 में ही है, ये हमने लिख दिया। इसका प्रोडक्ट लेंगे क्या आएगा? 5 2 10 10 5 50 52 100। अब हम लेंगे प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। नॉन कॉमन कौन से? एक तो 2 नॉन कॉमन है और एक 3 नॉन कॉमन है, ठीक है। 2 multiple 3 is equal to 6, ये नॉन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। अब हमारा फार्मूला क्या था LCM का? LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स क्या फाइंड हुआ है? 100 मल्टीपल अपनी जगह पे, और प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या है? 6। तो ये क्या LCM बना? 600 LCM, ठीक है।
ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी मेथड से हैं, पूरी एक्सरसाइज के। अब आप निशान लगा लें आप नेटवर्क में क्या करना। नेटवर्क में करना है आपने क्वेश्चन नंबर 2, 5 एंड 8, ठीक है, पेज नंबर 23 पे गिवन है। तो ये 3 क्वेश्चंस करना है जो आपने सैटरडे को सबमिट करवाने हैं, और जो बात समझ ना आई हो तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।